इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं आपको आज एक ऐसी जगह के बारे में बताऊं, जहां सारे के सारे इनलीगल काम होते हैं और ना वो हमें पता चलता है और ना ही सरकार को। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क वेब क्या होता है और इंटरनेट के कितने फेसेस होते हैं। आजकल हम हर छोटी से बड़ी चीज़ को जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। क्या आपको पता है इंटरनेट के 3 प्रकार होते हैं? पहला होता है सरफेस वेब, जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम ब्राउज़र या गूगल। इस सरफेस वेब पे नॉर्मली पहुंचा जा सकता है, जो कि हम जैसे नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं। सरफेस पर किसी वेबसाइट पर जाना हम आसानी से कर सकते हैं। पूरे दिन में जो भी आप यूज़ करते हैं वो सिर्फ सरफेस वेब के अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 5% ही है। इसके अलावा भी इंटरनेट के कुछ ऐसे फेस हैं जिसके बारे में आपको कोई खबर नहीं है, ना ही सरकार को इस बारे में कोई खबर है। अब जो दूसरा वेब है वो है डीप वेब। अब डीप वेब में काम कैसे होता है? डीप वेब के अंतर्गत अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जो इंटरनेट पर आपकी जानकारी सेफ है, जैसे आपका बैंक अकाउंट, आपकी डिटेल्स जो किसी और व्यक्ति को शो नहीं हो सकती, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डीप वेब के अंतर्गत स्टोर करी जाती है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन का किसी नॉर्मल बंदे से कोई मतलब नहीं है। ताकि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई अन्य इंसान ना देख पाए, इसलिए वह सारी जानकारी डीप वेब के अंतर्गत सेव की जाती है। अब तीसरे नंबर पे आता है डार्क वेब, जो कि इंटरनेट का सबसे बड़ा भाग है। गाइज, आप सोच भी नहीं सकते कि डार्क वेब कितना बड़ा है और इसमें कैसे कैसे काम होते हैं। डार्क वेब के अंतर्गत सारे इलीगल काम होते हैं। डार्क वेब की जानकारी ना ही आम लोगों के पास होती है और ना ही सरकार के पास। डार्क वेब के अंतर्गत सारे इलीगल काम होते हैं, जैसे ड्रग्स बेचना, अगर आपको किसी को मारना है तो उसके लिए शूटर हायर करना, हैकर के द्वारा किसी का बैंक अकाउंट हैक करना, इस प्रकार के सारे काम डार्क वेब के अंदर ही होते हैं। डार्क वेब की जानकारी किसी के पास भी नहीं होती और उस पर चलने वाले वेबसाइट का भी कोई एड्रेस नहीं होता, जिस कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर ये सुनने के बाद आपको डार्क वेब चलाने की इच्छा हो तो डार्क वेब को चलाने के लिए एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत होती है और उस ब्राउज़र का नाम है टॉर ब्राउज़र। ये टॉर ब्राउज़र आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसे प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया क्योंकि इस पर चलने वाले वेबसाइट की कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं होती थी। अगर आप टॉर ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं तो टॉर ब्राउज़र आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। टॉर ब्राउज़र आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस, इट्स टाइम टू साइन आउट।